हे गाइस वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो आप देख सकते हैं हमारे सामने 2022 न्यू मॉडल TVS Apache RTR 162 भी है। तो आज मैं इस बाइक का डिटेल रिव्यू नहीं करने वाला हूं क्योंकि इस बाइक का मैंने डिटेल रिव्यू पहले भी किया हुआ है। तो अगर आप इस बाइक का डिटेल रिव्यू देखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल पर विजिट करके देख सकते हैं। आप लोगों को काफ़ी अच्छे से पता होगा कि इस बाइक का आपको उनको न्यू वर्जन देखने को मिलेगा जो कि आपको शायद 2023 में देखने को मिल जाएगा। तो आज आपको मैं बताने वाला हूँ कि इसके न्यू वर्जन में आपको क्या क्या चेंजेस देखने को मिलेंगे। मैं इस बाइक को आपको रेफरेंस के रूप में लिया हुआ हूँ जिस वजह से आपको काफ़ी अच्छे से समझ में आ जाए। सबसे पहले फ्रंट के बारे में बात करें तो अभी इस बाइक में आपको फ्रंट में हेलोजन लाइट सेटअप देखने को मिलेंगे, बट इसके न्यू मॉडल जो आने वाले हैं उसमें आपको टोटली LED लाइट सेटअप देखने को मिलेगा। DRLs का जो भी डिज़ाइन है वो आपको टोटली चेंज कर दिया गया है। लुक एंड डिज़ाइन दोनों ही बाइक का आपको टोटली सिमिलर देखने को मिलेगा। फ्रंट टायर आपको 1990 सेक्शन का ही देखने को मिलेगा। फ्रंट डिस्क आपको 270mm का ही देखने को मिलेगा। सिंगल चैनल ABS आपके न्यू मॉडल में भी देखने को मिलेंगे। साइड प्रोफाइल से बात करें तो साइड प्रोफाइल में आपको टोटली न्यू ग्राफिक्स देखने को मिलेगा। अभी के ग्राफिक्स को टोटली चेंज कर दिया जाएगा इसके न्यू वर्जन में। अगर आप इस बाइक का ऑफिशियल वीडियो नहीं देखे हैं न्यू वर्जन का तो आप हमारे चैनल पर विजिट करके उसे भी देख सकते हैं। इस बाइक का जो अभी एक शोरूम प्राइस रखा गया जो कि आपको ड्रम वेरिएंट के लिए 1,13,000 रुपीज़ रखा गया, बट इसका जो न्यू वर्जन आने वाला है उसका आपको ड्रम वेरिएंट के लिए एक शोरूम प्राइस 1,17,000 रुपीज़ कर दिया गया है जो कि लगभग देखा जाए तो 4,000 रुपीज़ इंक्रीज़ कर दिया गया है। और डिस्क वेरिएंट के लिए आपका जो न्यू वर्जन के लिए प्राइस जो रखा गया जो कि आपको 1,21,000 रुपीज़ रखा गया है। अगले चेंजेस के बारे में बात करें तो इसका रियर टायर में होने वाला है जो कि अभी आपको 110 सेक्शन का मिलता है, बट इसके न्यू वर्जन में आपको 120 सेक्शन का टायर दिया गया है। इसका जो चेन है जो कि आपको टोटली चेंज कर दिया जाएगा इसके न्यू वर्जन में। इसका सीट आपको टोटली सिमिलर देखने को मिलेंगे। ग्राफिक्स आपको टोटली चेंज किए जाएंगे। इसके जो मेन डिफरेंस के बारे में बात करें जो कि इसका मीटर कंसोल में होने वाला है, अभी आपको एनालॉग प्लस डिजिटल दोनों में मीटर कंसोल मिलते हैं, बट इसके न्यू वर्जन में आपको फुल्ली डिजिटल मीटर कंसोल मिलने वाला है जिसमें कि आपको ब्लूटूथ कनेक्टिविटी देखने को मिल जाएगा, नेविगेशन देखने को मिल जाएगा, गियर पोजीशन इंडिकेटर देखने को मिल जाएगा, लैप टाइम मोड का भी ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। सेम आपको इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मिलने वाला है जो कि Apache 164B में मिलता है, वही आपको न्यू वर्जन में मिलने वाला है। यहाँ पे आपको एक एक्स्ट्रा स्विच को बढ़ा दिया गया है जिसमें कि आपको राइडिंग मोड्स देखने को मिलेंगे, अर्बन मोड, रेन मोड और स्पोर्ट मोड का ऑप्शन दिया गया है। अभी भी इस बाइक में आपको 5 कलर ऑप्शन मिलते हैं, इसके न्यू वर्जन में भी आपको टोटल 5 कलर ऑप्शन ही देखने को मिलेंगे। इस साइड से पीछे से देखें तो पीछे का जो आप टेल लाइट्स देख सकते हैं अभी का डिजाइन जो कि आपको टोटली चेंज कर दिया जाएगा इसके न्यू वर्जन में। इसका जो आप एग्जॉस्ट साउंड के ऊपर देख सकते हैं जो क्रोम फिनिश ये भी आपको टोटली न्यू डिज़ाइन में देखने को मिलेगा। सस्पेंशन आपको टोटली सिमिलर देखने को मिलेंगे। रियर डिस्क आपको टोटली सिमिलर देखने को मिलेगा। अभी भी सिंगल चैनल में आते हैं, बाद में भी आपको सिंगल चैनल ABS में ही देखने को मिलेगा। इसके इंजन के बारे में बात करें जो कि इसके इंजन में अपग्रेड किया गया है। अभी इस बाइक का इंजन आपको 159.7 CC का मिलता है, इसके न्यू वर्जन में भी आपको सेम इंजन मिलने वाला है, बट पावर को थोड़ा सा बढ़ा दिया गया है। अभी इसमें पावर आपको 16 PS का मिलता है, बट इसके न्यू वर्जन में आपको पावर 16.04 PS का मिलने वाला है। अभी इसमें न्यूटन मीटर टॉर्क आपको 13.50 का मिलता है, बट इसके न्यू वर्जन में आपको 13.85 न्यूटन मीटर का टॉर्क मिलने वाला है जो कि पावर और टॉर्क भी बढ़ा दिया गया है। जिस हिसाब से इस बाइक का पावर टू वेट रेशियो काफ़ी अच्छा मिलने वाला है क्योंकि अभी इस बाइक का आपको वेट 139 kg का मिलता है, बट इसके न्यू वर्जन का वेट में आपको 2 kg को कम कर दिया जाएगा जो कि काफ़ी अच्छी बात है। उस हिसाब से आपको माइलेज भी काफ़ी अच्छा देखने को मिलेगा। अभी इस बाइक में आपको माइलेज लगभग 35-40 का माइलेज मिलता है, बट इसके न्यू वर्जन में आपको 40-45 KMPL का भी माइलेज देखने को मिलेगा अगर आप इस बाइक को अच्छे से राइड करते हैं तो। इसका टॉप स्पीड आपको 110 km/h का टॉप स्पीड देखने को मिलेगा जो कि काफ़ी अच्छी बात है। इस बाइक को टोटल 3 वेरिएंट में लॉन्च किया जाएगा, ड्रम वेरिएंट, डिस्क वेरिएंट और साथ साथ इसमें आपको डिस्क विथ राइड मोड्स एंड स्मार्ट एक्स कनेक्ट फीचर के साथ भी लॉन्च किया जाएगा जो कि उसका एक शोरूम प्राइस रखा गया 1,24,000 रुपीज़। तो मैंने गाइस इस बाइक के रेफरेंस के थ्रू मैंने जो भी आपको चेंजेस किए जाएंगे इसके न्यू वर्जन में वो आपको बताया है, जिस वजह से आपको न्यू वर्जन में जो भी फीचर्स आपको इंक्लूड किए गए हैं वो आपको मैंने इस बाइक के थ्रू बताया हुआ है। आपको काफ़ी अच्छे अच्छे फीचर्स देखने को मिलेंगे। उस हिसाब से मात्र आपको 5,000 रुपीज़ ही इंक्रीज़ किया गया है जो कि काफ़ी अच्छी बात है। अगर आप इसके न्यू वर्जन को लेना चाहते हैं तो ऑफकोर्स आप ले सकते हैं जो कि आपको नेक्स्ट ईयर में आपको देखने को मिल जाएगा। मैं भी शायद हो सके आपको दीपावली में भी देखने को मिलेगा जो कि जितना जल्दी देखने को मिलेगा वो कितना ज़्यादा अच्छी बात है। तो आज के लिए बस इतना ही गाइस, थैंक्स फॉर वाचिंग। कैसा लगा मेरा वीडियो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं, और अगर आपको किसी प्रकार का वीडियो चाहिए तो भी आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। थैंक्स फॉर वाचिंग।